പുതിയ ജോ പി എസ് സി മഹോക്കേ ബാബാ ദിന രാത് പഠനാ ഹേ മജാ വോ ധമാൽ കാം കര ലേ ഖസരെ ടെൻഷൻ അരേ കാം കര ലേ ഖസരെ ടെൻഷൻ ജബ് അപ്സര ബൺ കേ തേ ഘർ പേ ധമാൽ ये कैसे होगा सर नमस्कार कंपटीशन कमेटी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं हेमंत प्रधान। आइए फ्रेंड आज हम बात करते हैं कॉम्पिटेटिव साइंस के एक और महत्वपूर्ण लेक्चर को और आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के बारे में। कॉम्पिटेटिव साइंस जिसमें कि हम जनरल साइंस एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेगमेंट को कवर करते हैं दैट इज पावर्ड बाय ट्रिक्स एमसीक्यू इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड मोटिवेशन। नाउ आज के सेशन में हम कवर करेंगे महान गणितज्ञ आर्यभट्ट, रेनाउंड इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट। इनके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें आज जानेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीजीपीएसई मेंस एग्जाम देते हैं तो सीजीपीएसई मेंस में पेपर नंबर 4 के पार्ट 2 में आर्यभट्ट का डिस्क्रिप्शन आपको पूछा जाता है, पास्ट ईयर पेपर में भी पूछे गए हैं। पिछले सेशन में हमने कवर किया था श्रीनिवास रामानुजन के बारे में, आज कवर करने वाले हम महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के बारे में। तो आर्यभट्ट इनका जन्म जो है बहुत पहले हुआ था, हम बात करते हैं गुप्ता डायनेस्टी के भी पहले, है ना, 476 ईस्वी के समय में पाटलिपुत्र जिसका वर्तमान नाम पटना है वहां पर हुआ था। गुप्ता डायनेस्टी के समय में ये अपनी जो महानता थी, इनकी जो महानता थी, इनके बड़े बड़े जो कृतित्व थे, बड़े बड़े क्रिएटिविटी थी, बहुत बड़ी बड़ी खोज थी, ये देखने को मिलता है। और ये रेनाउंड इंडियन मैथमेटिशियन के तौर पर पूरी दुनिया में बाद में जाने जाते हैं। इन्होंने अपने समय से काफी पहले ही बहुत सारी चीजें डिस्कवर कर ली थी जिसको हम बताएंगे अभी। जैसे पूरी दुनिया को जीरो किसने दिया, भारत ने दिया, और भारत में किसने दिया, आर्यभट्ट ने ही डिस्कवर किया था। उन्होंने जीरो को एक न केवल अंक बताया था, डिजिट बताया था, बल्कि कहा था कि एक वो सिंबॉल भी है। और जीरो को डिस्कवर करने के बाद में ब्रह्मगुप्त आते हैं और वो कहते हैं कि वो नेगेटिव जो इंटीजर्स होते हैं, जो है ऋणात्मक जो अंक वगैरह होते हैं, वो बाद में डिस्कवर किया गया था। तो ये बातें हमको समझनी है। आर्यभट्ट जो है 5th सेंचुरी में जब वो अपना काम कर रहे थे, बड़ी बड़ी खोज कर रहे थे, तो वो मैथमेटिक्स के सेक्टर में केवल उनका कंट्रीब्यूशन नहीं था बल्कि साथ साथ एक बहुत अच्छे क्या है एस्ट्रोनॉमर भी थे, एस्ट्रोलॉजर भी थे, और साथ साथ एक फिजिसिस्ट भी थे, एक भौतिक विज्ञानी भी थे। आगे इनकी बातों को समझेंगे। इनकी एक महान रचना है आर्यभट्टीय, या इसे आर्यभट्टियम कहते हैं। इस आर्यभट्टियम की चार खंड हैं, चार इसके पार्ट हैं, जिसमें हम आगे समझेंगे। आर्यभट्ट में जो गणित का जो सबसे जो सार उन्होंने बताया था, इसी आर्यभट्टियम ने उसमें क्या है पूरा लिखा हुआ है। पहले खंड में वो क्या है, इन जो वर्णमाला के जो दशमलव इंटीजर्स, देखो दशमलव के बारे में भी इनका क्या है कंट्रीब्यूशन है, तो इन्होंने ये दिया था। लेकिन हम इनके यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहें तो इनका जो योगदान है इसी आर्यभट्टियम में क्या देखते हैं, चार ऐसे पार्ट हैं जिसमें कि 108 छंद हैं, और इसको चार यूनिट में इस प्रकार डिवाइड किया गया है, जिसका पहला यूनिट का नाम है गीतिक पाद। गीतिक पाद में क्या है 13 छंद है, और ये क्या है बेसिकली समय की बड़ी इकाइयों के रूप में इसका क्या डिस्क्रिप्शन मिलता है, ठीक है, ये बात याद रखना है। इसमें बहुत सारे वर्णमाला के बारे में भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। दूसरा है गणित पाद। गणित पाद में क्या है 33 छंद हैं, और इसमें देखते हैं कि ज्योमेट्री, एरिथमेटिक, इसके बाद देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण के बारे में ये सब दिया गया है, ठीक है। देन हम बात करते हैं काल क्रियापद, ये इनका थर्ड पार्ट है, थर्ड यूनिट है, जिसमें कि 25 छंद हैं, जिसमें कि वह ग्रहों की स्थिति का वर्णन मिलता है, इसी के आधार पर पंचांग बनाया जाता है। और आपको मैं बता दूं, आज भले हम चंद्रयान के जो डिफरेंट अलग मिशंस कर रहे हैं, दुनिया अलग अलग जो है मून पर मिशन कर रही है, लेकिन पूरी दुनिया को इसी 5th सेंचुरी में
सोच के देखिए, 5th सेंचुरी में इन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया था कि अर्थ का रेडियस कितना है, व्यास कितना है इसका, इसका सर्कमफेरेंस कितना, परिधि कितना है, साथ ही साथ पृथ्वी से क्या, चांद के बीच की दूरी, पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी इन्होंने बता दिया था। जब बात करते हैं कि एरिस्टोटल की पृथ्वी अपने स्थान पर क्या स्थित है, बाकी जो है प्लैनेट इसके चारों तरफ घूम रहे हैं, इसको बाद में डिनाई करते हैं। कॉपरनिकस जो एक पोलैंड के जो है फिजिसिस्ट थे, वो कहते हैं कि नहीं भाई, पृथ्वी जो है स्टेबल नहीं है, बल्कि सूर्य स्टेबल है और उसके चारों तरफ क्या है, सभी प्लैनेट जो है रिवॉल्विंग कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। ये कॉपरनिकस ने बताया था, जो एक पोलैंड के क्या फिजिसिस्ट थे। लेकिन आपको बता दूं, ये जो कॉपरनिकस का कंट्रीब्यूशन था या डिस्कवरी था, इसको 5th सेंचुरी में किसने बता दिया था, आर्यभट्ट ने बता दिया था। तो ये इतने महान गणितज्ञ थे, इतने महान फिजिसिस्ट थे, ये बातें आपको जाननी है, ठीक है। तो ये ग्रहों की स्थिति, ग्रहों के बीच में, दो प्लैनेट के बीच में डिस्टेंस, अर्थ से दूसरे प्लैनेट के बीच में डिस्टेंस, इन्होंने बहुत पहले बता दिया था, 5th सेंचुरी में बता दिया था। यहां पर बात करते हैं, 4th यूनिट होता है गोलापाद। गोलापाद इसमें 50 छंद है, जिसमें ट्रिगोनोमेट्री और ज्योमेट्री के बारे में बताया गया था। आगे कुछ और मैं डिस्क्रिप्शन बताऊंगा, जिसमें कि इनके जो है योगदान के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन पहले यह समझना होगा कि आर्यभट्टीयम में जो 4 यूनिट हैं, जिसमें गीतिक पाद, गणित पाद, काल क्रिया पद और गोलापाद हैं, इसको आपको जरूर एग्जाम में लिखना है। नाउ कम टू द पार्ट, इसी आर्यभट्टी या आर्यभट्टीयम में हम बात करते हैं आगे और क्या क्या था। इन्होंने एलजेब्रा का सबसे पहले प्रयोग किया था। तो फाउंडर ऑफ एलजेब्रा कौन है, आपके आर्यभट्ट हैं, बीजगणित। उसके बाद बात करते हैं, इन्होंने पूरे आर्यभट्टी में क्या है, वो एक पोएट्री फॉर्म में संस्कृत में उन्होंने लिखा हुआ है गणित की इस पुस्तक को, आर्यभट्टीयम को। और इस पुस्तक में बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो एस्ट्रोनॉमी को लेकर है, एस्ट्रोलॉजी को लेकर है, ट्रिगोनोमेट्री को लेकर है, ज्योमेट्री को लेकर है, एरिथमेटिक को लेकर है, एलजेब्रा को लेकर है। और इस किताब में हम बात करते हैं 33 ऐसे क्या है नियम भी बताए थे, जिसे आज भी हम ट्रिगोनोमेट्री, अल्जेब्रा या एरिथमेटिक में यूज करते हैं, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर और क्या समझते हैं इसमें, देखो ये बात आपको ध्यान रखना होगा कि जब आर्यभट्ट के बारे में समझते हैं तो दो बड़े बड़े क्या है, सबसे बड़े बड़े क्या है कंट्रीब्यूशन क्या है, तो एक तो क्या है डिस्कवरी ऑफ जीरो। जीरो के बारे में सबसे पहले इन्होंने बताया, किसने, आर्यभट्ट साहब ने बताया। दूसरा, पाइक का जो है एक सटीक अनुमान इन्होंने बताया, द कैलकुलेटिंग द एप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई, जिस पाई की वैल्यू आज हम बात करते हैं 22/7, और इसके बाद इसकी वैल्यू को निकालते हैं 3.14156, इस प्रकार आप निकालते हैं तो 5 डिजिट तक क्या है, दशमलव के 5 डिजिट तक। सोच के देखिए, डेसिमल उस समय खोजा ही नहीं गया था, दशमलव खोजा ही नहीं गया था, इन्होंने खोजा और दशमलव के बाद 5 पॉइंट इन्होंने बता दिया, 4-5 अंकों तक उन्होंने क्या ये डिजिट को उस जमाने में बता दिया, 5th सेंचुरी में, ठीक है। तो पहली खोज जीरो की खोज, और दूसरी खोज पाई के बारे में, पाई के जो है इनफाइनाइट नंबर के बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, किसने बताया था, श्रीनिवास रामानुजन ने बताया था, ठीक है, ये उन्होंने बता दिया था। और यहां पर बात समझते हैं कि पाई के बारे में उन्होंने ये लिखा हुआ है, ये संस्कृत का श्लोक है जिसमें पाई की वैल्यू को उन्होंने 5 डिजिट तक बता दिया था और जीरो की डिस्कवरी की थी। सोच के देखिए, जीरो नहीं होता तो जो वर्ल्ड इस लेवल पर जो डेवलपमेंट किया हुआ है, बड़े बड़े रिसर्चेस, बड़े बड़े डिस्कवरी हुए, वो पॉसिबल ही नहीं होता। तो शायद हम इस बात को यहां पर पूरी तरह से कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि दुनिया में भारत क्या है, विश्वगुरु जरूर था एक समय में, ठीक है। तो विश्वगुरु ऐसे ही नहीं कहते, पूरी दुनिया को हमने गिनती सिखाई, पूरी दुनिया को हमने जीरो दिया, दुनिया को हमने डेसिमल दिया, दुनिया को बहुत सारे मैथमेटिक्स के ऐसे फॉर्मूलेस दिए, ठीक है। हमने तो रामानुजन सर के बारे में पढ़ा, उसके बाद आज देखते हैं कि महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के बारे में जान रहे हैं, ठीक है। आगे कुछ और समझते हैं, यहां पर देखिए आर्यभट्ट के और क्या कंट्रीब्यूशंस थे। तो आर्यभट्ट ने जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, जिसमें बात करते हैं 1/2 बेस × हाइट, ये उस 5th सेंचुरी में वो बता दिए थे, और जिसको बाद में मॉडर्न मैथमेटिशियंस जो है बाद में उसको डिस्कवर किए, रीडिस्कवर किए थे कह सकते हो। तो 1/2 बेस × हाइट जो है, इसको उस समय ही बता दिया था उन्होंने, किसने बता दिया था, आपके आर्यभट्ट साहब ने, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखनी है। उसके बाद बात करते हैं
आर्यभट्ट साइन, साइन यानी ज्या, ज्या के बारे में जिसको हम पढ़ते हैं, तो यहां पर इस ज्या के बारे में, साइन के बारे में बहुत पहले 5th सेंचुरी में आर्यभट्ट साहब ने बता दिया था। इन्होंने बहुत सारे स्क्वायर और क्यूब की क्या है सीरीज को इन्होंने बता दिया था, और ax प्लस by प्लस सी प्लस ax माइनस by इक्वल टू सी, ये उसने उन्होंने क्या है बहुत पहले उन इक्वेशंस के बेस पर उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया था, और आर्यभट्ट का ये भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। इसके अलावा आर्यभट्ट ने क्या क्या दिया था इसके बारे में भी समझ लेते हैं, जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करना चाहा। तो यहां पर ये बात समझे, जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल जो है पिंड होते हैं या खगोली पिंड होते हैं उनका सिद्धांत बताया, साथ ही साथ उन्होंने देखा कि जो पहले चली आ रही थी बाद में, देखो 5th सेंचुरी में उन्होंने ये सब चीज लिख के दे दिया आर्यभट्टियम में, लेकिन एक समय आते हैं अरिस्टोटल और कहते हैं पृथ्वी गोल है, अपनी धुरी पर घूमती है, इसके कारण रात और दिन होते हैं। एक्चुअल में निकोलस कॉपरनिकस का था, एरिस्टोटल ने क्या कहा था, पृथ्वी अपनी जगह स्थिर है, उसके चारों तरफ सब लोग क्या है चक्कर लगा रहे हैं, ऐसा कहा था। और यहां पर बात करते हैं उनको क्या है अपोज करते हुए, निकोलस कॉपरनिकस क्या कहते हैं, पृथ्वी गोल है, अपनी धुरी पर रोटेशन भी कर रही है और रिवॉल्विंग भी कर रही है, ठीक है, और इसी कारण जो है दिन और रात होते हैं, ये इन्होंने कहा था। किसने, कॉपस निकोलस कॉपरनिकस ने कहा था, लेकिन ये बात तो आर्यभट्ट उस जमाने में कर लिए थे कि पृथ्वी गोल है, इसका सरकमफेरेंस एक्चुअल में 24835 है, यानी कि 24900 माइल्स के आसपास इसका क्या है आपका सरकमफेरेंस है, ये उस समय उन्होंने बता दिया था। ठीक है, और हिंदू मान्यता में क्या है, जो सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स के बारे में जो धर्म की मान्यता थी उसको सीधा सीधा डिनाई किसने किया, आर्यभट्ट ने कहा। जनरली हम पढ़ते हैं ना, सुनते हैं, आज भी सुनने को मिलता है कि जब चंद्र ग्रहण रहता है तो सूर्य उसको खा जाता है कहते हैं, जब सूर्य ग्रहण होता है तो चांद उसको जो है निगलने की कोशिश करता है लेकिन निगल नहीं पाता, ऐसा कहते हैं। वो सब चीजें बकवास हैं। एक्चुअल में आर्यभट्ट ने बताया कि हम बात करते हैं सन अर्थ और मून एक सीध में आ जाते हैं, या सन मून और अर्थ एक सीध में आ जाते हैं, तो उसके बेस पर क्या बात करते हैं, जैसे कि सेम सन अर्थ मून आ गया, तो इस केस में देखते हैं सन से आने वाली लाइट के बीच में क्या है अर्थ रुकावट बन जाती है तो लूनर इक्लिप्स हो जाता है। जब बात करते हैं सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है तो सनलाइट हमारे तक नहीं पहुंच पाती है तो उस केस में सोलर इक्लिप्स हो जाता है, सूर्य ग्रहण हो जाता है। सन मून अर्थ क्या है, सोलर इक्लिप्स है यानी सूर्य ग्रहण है, सन अर्थ मून जो है ये लूनर इक्लिप्स है यानी कि चंद्र ग्रहण है। ठीक है, इसके बारे में आर्यभट्ट साहब ने पहले बता दिया था। और मून और धरती से क्या, यानी अर्थ से मून के बीच का डिस्टेंस, अर्थ से सूर्य के बीच का डिस्टेंस भी किसने बता दिया था, आर्यभट्ट साहब ने बता दिया था। और इन्होंने प्रूफ कर दिया कि भाई एक्चुअल में 365 डेज नहीं होते साल में, एक्चुअल में कितने दिन होते हैं, 365.2951 होते हैं, यानी कि ओवरऑल 366 अराउंड जो है डेज ये होते हैं, ये उन्होंने आर्यभट्ट साहब ने बताया था। ठीक है, तो ये आर्यभट्ट साहब के बारे में इतना जरूर जाने। बाकी जब आर्यभट्ट साहब के उनका कंट्रीब्यूशन समझते हैं तो महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने इनके बारे में कहा था, हमें भारतीयों का एहसान मंद होना चाहिए कि उन्होंने हमें गिनती सिखाई, इसके अभाव में कोई भी सार्थक वैज्ञानिक खोज वास्तव में संभव ही नहीं थी। बहुत 100% सच बात है ये। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी होगी, ये महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन का स्टेटमेंट है, तो ये बात ध्यान रखना है। ये पुणे में स्थित जो है आर्यभट्ट की जो है प्रतिमूर्ति है, और ये तो सीखा ही होगा, सुना ही होगा कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई, देता ना दशमलव भारत तो यो चांद पर जाना मुश्किल था, और धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। एंटायर स्टेंजा, ये पूरा जो आप देख रहे हैं कि जो लाइंस हैं ये पूरी तरह से डिवोटेड है आर्यभट्ट को। तो महान गणितज्ञ आर्यभट्ट की जो डिस्कवरी थी उसी पर पूरा ये सब चीज लिखा हुआ है। इन्होंने तारों के बारे में बताया, स्टार्स के बारे में, धरती से स्टार के बीच में डिस्टेंस, धरती से मून के बीच में, धरती से सन के बीच में डिस्टेंस बताया। इन्होंने बताया कि दशमलव दिया दुनिया को,
साथ ही यहां पर समझना होगा जीरो दिया उन्होंने दुनिया को, तो ये सब चीजें हमको याद रखनी होगी। ठीक है, तो आज के टॉपिक एक छोटा सा टॉपिक हमने जरूर कवर किया, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें पेपर 4 पार्ट 2 में इसे लिख सकते हैं इन कंटेंट्स को, और साथ ही साथ कभी एग्जाम में आपको पूछा जाए तो उसमें भी जरूर यहां पर इसकी मदद से वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।